Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. दोस्तों, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का पूरा गैंग हमारे साथ मौजूद है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं सबको यहां पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और नवाज भाई कल थे नहीं, नवाज भाई हम आपको मिस भी कर रहे थे। और आज हमारे गैंग्स ऑफ वसेपुर की बाकी की स्टारकास्ट म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा जी भी हमारे बीच मौजूद है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। वरुण ग्रोवर साहब, आदित्य यहाँ पे हैं, जमील खान जी हैं, विनीत भाई हैं, जिशान कादरी जिन्होंने फिल्म लिखी है, आज बड़ा मजा आने वाला है। तो सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार हमारे शो पे इतनी बड़ी स्टार कास्ट, वो भी दो दिन लगे हमें सेटल करने में। देखो नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी देर बाद मुलाकात हुई। अच्छा, नवाज भाई का बोला हुआ एक एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे, पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा। बिल्कुल सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा, और आपने लिया भी। नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, बड़े बादाम लो। नवाज भाई के टैलेंट को सल्यूट है। अरे नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था। नवाज भाई, आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इन्वाइट कर लेते हो? हाँ, मैंने भी, मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से। जैसे किक की, हाँ, तुम्हारा बहुत बड़ा बजट था, बहुत, हाँ, पैसा भी मिला मुझे। हाँ, हीरोपंती 2 की बहुत बड़ा बजट किया, बहुत, हाँ, तो वो मुझे तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल। हाँ, इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो। हाँ, मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी कि जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता ना, ये उसके ऑफिस जा लंच करते हैं, इस तरीके से वसूली करते हैं ये बात सच्ची नवाज भाई? नहीं, वो एक फिल्म के लिए हुआ था ये, थोड़े हर फिल्म में जाके मुझे लंच करना। अच्छा, हमारे वरुण भाई ये बड़े ही कमाल के गीतकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं इन्होंने। इनके काम के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसे भी अनुराग भाई बता रहे थे कि जैसे वो जिसमें राजकुमार राव जिशान के पीछे भागते हैं, हाँ, जब ये मारने आते हैं, उनकी पिस्तौल अटक जाती है, हाँ, हाँ, तो वो बोलते हैं उसमें गाना पहले तो हमारा, हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा ही था ना भाई? वो चेज ही नहीं था पिक्चर में, ना चेज था ना गाना था। तो क्या है कि जिशान के अंदर काफी सलमान खान, अच्छा, उनका डायलॉग भी है पिक्चर में कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता। पहले दिन शूट चल रही थी और जिशान जो है डायलॉग बोल रहे, मैं कहा ये डायलॉग फिल्मी क्यों लग रहा है? तो एक वो पहला सीन था इसमें फैजल खान उसको थप्पड़ मारता है, तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा, टाइम जाएगा। मैंने नवाज के कान में बोला सर एक जोर से दे दो, तो नवाज वाला क्या मार दो, मैं असली मार दो। तो जिशान को एक थप्पड़ असली पड़ा, उसकी सारी एक्टिंग निकल गई, उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले। जो भी सोच के रखा था सब भूल गया, करेक्ट एक्टिंग की उसने। तो वो ना हो, तीसरी बार हम सीन शूट कर रहे थे जो राजकुमार के घर में जाता है, वो बंदूक तानता है, फिर वो गोली नहीं है तो ऐसे भागते हैं, उनको रास्ता बताया यहाँ से जाएंगे ये ऐसे भागेंगे। इसको लगा है तीसरी बार ना पड़ जाए, मैं कट नहीं बोल रहा हूँ, बंदूक अटक गई। उसके बाद जो भी हुआ सब नेचुरल था। वो भागे, दोनों रास्ता भूल गया, किधर से भागा है उधर से भागा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया। मैंने कहा ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई लिख नहीं सकता। फिर वहां से चेस शुरू हुई और फिर उसके बाद गाना बना। वाह यार, क्या बात है। हमारे हिंदुस्तान की चंद ऐसी फिल्में हैं जिनमें से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट जो गैंग्स ऑफ वसेपुर है, अगर कोई फिल्म मेकिंग में आना चाहता है उसको ध्यान से देख ले और उसके पीछे की कहानियों की रिसर्च कर ले, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। क्या बात है अनुराग भाई, बहुत कमाल है। स्नेहा खानविलकर जी यहाँ पे बैठी हुई, पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियां।
स्नेहा की खासियत ये है कि फिल्म में जहाँ का प्लॉट होता है ना, वहाँ की मिट्टी से म्यूजिक निकालती है। कोई तो ये भी कह रहा था कि ये जमीन देख के बता देती है कि कितने फिट से पानी निकलेगा। जोक सपाटा मजाक कर रहा हूँ, पर आप देखिए इनकी फिल्मों के गाने, चाहे ओए लक्की लक्की ओए का म्यूजिक देख लीजिए या गैंग ऑफ वासेपुर का, जो भी इन्होंने काम किया, ये बड़ा डिफरेंट म्यूजिक देती हैं। अच्छा, म्यूजिक तो आपका मजेदार था ही, आपके जो सिंगर्स थे जिनकी हमने आवाजें सुनी, हमने वो आवाजें पहले कभी सुनी नहीं थी स्नेहा, तो वो सिंगर कहाँ से ढूंढ के लाई? मेरा एग्जैक्टली यही ब्रीफ था अनुराग सर से कि बेसिकली मुझे सिर्फ अलग अलग आवाजें चाहिए, और ये सब लोग इतने घूमे हुए हैं ना इंडिया, और मैं कम घूमी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा आवारागर्दी भी हो जाएगी, बट ऑल्सो जो आवाजें इनको चाहिए थी वो थोड़ी मिल जाएंगी। ये आवाज ढूंढने के लिए कहीं भी चले जाते थे, तो बहुत कहानियां इनकी आवाज ढूंढने की। अच्छा, एक दिन रात को मेरा फोन बजता है 12:30 बजे के आसपास। अच्छा जी। मैं वासेपुर पे काम नहीं चल रहा था, मैं देवडी के बारे में सोच रहा था, लेकिन स्नेहा का फोन आया, बोलता हेलो अनुराग, हाँ मैं हरियाणा के गांव में हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, बोलता है यहाँ पे सब लोग जो है पिए हुए पड़े हैं, बहुत अच्छी रागिणी गा रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड करनी है, अगर बाय चांस मैं कल जिंदा नहीं मिली या कुछ हो गया तो मैं यहाँ यहाँ पे हूँ, डिटेल्स दे रही हूँ। अच्छा। मेरी जान निकल गई, मैं कहा ये क्या है, मतलब मजाक करे क्या है, बोलते नहीं बस इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सब पे हुए और पीने के बाद बहुत अच्छा गा रहे हैं और मुझे रिकॉर्ड करना है। ये वही लकी लकी वही की रागड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ये लड़की कमाल है, ये गाना ढूंढने के लिए निकलती है और जब तक उसको मिलता नहीं घुस जाती है। सर गाना नहीं ढूंढती मैं, सिंगर ढूंढती, सिंगर ढूंढती है, वॉइस ढूंढती है, जो भी ढूंढती है। क्या बात है, हमारे जिशान साहब ये जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, पहले तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए इनके लिए, कमाल के राइटर तो हैं ही, फिल्म में आपने इनको एक्टिंग करते भी देखा है, लास्ट में यही नवाज भाई को गोली मारते हैं। अच्छा, जिशान भाई का जब मैं नाम सुनता ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके पास बेस्ट क्वालिटी की शिलाजीत भी होगी, ऐसा ऐसा लगता है। मतलब ऐसे विचार आते हैं मन में कभी कभी, पर मैं कहीं ये जो दीवार पे मेरा नाम पढ़ लिया था क्या? नहीं। पर जिशान भाई, जो आपने दो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर की जैसे वो गैंग्स के ऊपर जो कहानी लिखी है, हर कोई बंदूक चला रहा है, बम तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे छोटे शहरों में अखबार नहीं फेंकता आदमी, वैसे ये रियल एक्सपीरियंस कभी किया आपने जिशान भाई? हाँ हाँ। ये वासेपुर के? मैं वासेपुर से हूँ। क्या बात, ऐसे माहौल में रह के भी आप राइटर बन गए, नहीं तो आप दिमाग में आ ही सकता ना कि छोटी उम्र में कि यार क्यों ना मैं स्टार्टअप शुरू करूं वसूली का ही, मैं बंदूक लेके निकलूं तो वैसे ही पैसा कमा लूं, ऐसे भी आ सकता था, पर बहुत अच्छी बात है आप कला के क्षेत्र में आए। तो ये कहानी लेके आप और भी किसी के पास गए थे कि आपको पहले दिन से क्लियर था कि ये अनुराग कश्यप भी बना सकते हैं? यार भाई, मैं गांव से निकला हुआ, कॉल सेंटर में काम किया और सीधा बॉम्बे आ गया। अच्छा जी। तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मतलब सिनेमेटोग्राफर और कोरियोग्राफर का क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। अच्छा। तो मुझे जब लोगों ने बैठाला बोला वर्ल्ड सिनेमा, तो मैंने बोला यार ये क्या नई चीज है वर्ल्ड सिनेमा, तो मैंने बोला हाँ हाँ इंग्लिश फिल्में देखी है, कह रहे इंग्लिश फिल्म नहीं होती है इसमें, फ्रेंच फिल्म और कोरियन फिल्म ये वो, तो खैर देखना शुरू किया, तो उसमें एक फिल्म देखी सिटी ऑफ गॉड। अच्छा। मैंने बोला ये तो मेरा गाँव तो इससे खतरनाक है, ये यही क्या। तो उसपे फिर हम लोगों ने लिखा, लिखने के बाद सबसे पहले मैंने हंसल सर को ट्राई किया था। अच्छा। हंसल सर के साथ चला कुछ हफ्ता 10-15 दिन, उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मेरा टाइप नहीं है, तो मैंने बोला सर मैं भी वही सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि इसको वही बना सकते हैं जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। अच्छा। तो मुझे उस टाइम पर अनुराग सर का नाम भी नहीं पता था, फिर मैंने पूरा रिसर्च करा, फिर ऑफिस का एड्रेस निकाला, दो बार ऑफिस गया, ऑफिस में जो जिसने गेट खोला उसने मुंह पे ही गेट बंद भी कर दिया कि चला जाए यहाँ से। वहां पे एक पोस्टर था सर का, एक प्ले था पृथ्वी में हो रहा था, मैंने टाइम वाइम देख लिया, नोट कर लिया, फोटो खींचा, लेके चला गया, मैंने कहा यहीं पकड़ेंगे सर को। तो फिर वहां मुलाकात हुई, वहां सुनाया। नहीं इसकी तुम्हारी मुलाकात दूसरी, पहले दो दोस्त आए, उन्होंने मेरे को बिहार बेस्ड सिटी ऑफ गॉड सुनाई, मैंने कहा मैं शक्ल पे क्या लिखा है मेरे। तो अगले दिन जीशान आया सबूत के साथ, ये सच्ची में हुआ है, तो मैंने कहा सिटी ऑफ गॉड टेम्पलेट पे सच्ची में हुआ इंसिडेंट चिपका दोगे तो सिटी ऑफ गॉड ही होगी ना। तो फिर मुझे जब मैंने अखबार की कटिंग्स पढ़ी, मैं कहा ये सब जो बाकी सब ये सच में है? उसने कहा हाँ। मैं कहा ये क्यों नहीं है स्क्रिप्ट में? तो फिर इसको वापस भेजा वासेपुर। अच्छा। बोला मेरे को पूरा डिटेल चाहिए, कहाँ शुरू हुई थी कहानी और कहाँ खत्म हुई थी, फिर ये 150 पन्ने का नॉवेल लिख के लेके आया। वाह क्या बात है। तो अनुराग भाई जैसे जिशान फिल्म के राइटर हैं, तो इनका रोल पहले से इन्होंने डिसाइड किया था कि जब इन्होंने राइटिंग के पैसे मांगे तब आपने बदले में इनको कास्ट कर लिया कि चल तो एक रोल ले ले? राइटिंग के पैसे मिले थे? हाँ सर मिले थे, ये फर्स्ट कास्ट पार्टी। पहले से मतलब वो उंगली रखी हुई थी
ये रोल मुझे करना है। वाह क्या बात। आदित्य हमारे आप देख सकते हैं इनको, जिन्होंने परपेंडिकुलर का करेक्टर किया था जो मुंह में ब्लेड घुमाता है, क्या कमाल का करेक्टर किया था भाई साहब ने। आदित्य आपने ये ब्लेड घुमाने की ट्रेनिंग ली थी कि अनुराग भाई ने आपको कहीं जेब काटते हुए पकड़ा था? कैरेक्टर था, असली असली कैरेक्टर था एक्चुअली। तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती, या तो किसी को देखा हो तो फिर की आपने प्रैक्टिस? सर ने मुझे बोला कि कैरेक्टर ऐसा ऐसा है कि वो कैरेक्टर मुंह में ब्लेड रखता है, अगर तू मुंह में ब्लेड रखना सीख गया तो ये रोल तुम्हारा। वाओ। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो एक्टर बहुत अच्छा था मुझे पता है। अच्छा, उसको छोड़ दिया एक डेढ़ महीना दो महीना, कितना टाइम लिया? तीन महीना। अच्छा, तो आदित्य आपको डर नहीं लगा कि अगर कहीं जुबान कट गई? नहीं, ब्लंट स्वाद तो जाएगा, मिर्ची लगेगी अलग, वो अलग। नहीं, एक्चुअली वो धार उसका हटाया हुआ था, ब्लंट ब्लेड था वो, उसको नया ब्लेड खरीद के लाया था, लेकिन उसको घर पे पत्थर पे रगड़ रगड़ करके मतलब 4-5 बार चेक किया कि अब कटेगा कि नहीं कटा, और हर 15 दिन सर को दिखाने जाता था, सर मैं सही कर रहा हूँ, सर सही कर रहा हूँ, सर तो सर फीडबैक देते थे बीच में। Wow, you did a fabulous job. जमील भाई, हमने सुना कि जब आपको मनोज बाजपेयी साहब ने ये बताया कि मैं अनुराग के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा हूँ, तो आपने उनको कहा कि मेरा उनको सलाम बोलना जी, तो आप सच्ची में फ्रेंडली हैं या जो फिल्म बना रहा था उसी को सलाम भेजते हो आप? आपके मन में था कि मुझे भी बुलाया जाएगा इसके लिए? नहीं, नहीं, क्या है कि अनुराग मुझे थिएटर के दिनों से जानते हैं। अच्छा जी। ऐसे ही एक ऐड कर रहे थे मनोज भाई और हम, जैसे गुफ्तगू होती है आपस में, मैंने कहा और मनोज भाई क्या चल रहा है आजकल, तो कहने कि एक अनुराग की फिल्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, जानते हो अनुराग को? मैंने कहा हाँ, आपकी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह दीजिएगा। अच्छा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये अनुराग से उन्होंने जिक्र किया, तो जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भैया इतने जमाना हो गया, इतने जमाने से जानते हो, आज याद किया मुझे? कहते भाई वो बाजू भाई ने जिक्र किया आपका, तो मैंने कहा हाँ यार बुलाओ उन्हें। तो आपको अपने रोल के बारे में जानकारी थी कि आप भी हवा में ही थे कि क्या करके रहा हूँ मैं? भाई बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जब इन्होंने जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मैं स्क्रिप्ट देखा, मैंने कहा कहीं कुछ है ही नहीं। एक तो इतने साल बाद याद किया, ओवर तो कोई कुछ है ही नहीं इसमें, गोलियां भी चलवाई जा रही, बता भी नहीं रहे क्यों चला रहा हूँ। बस ये नाम है, मनोज भाई है साथ में, असगर और सरदार साथ में है, मैंने कहा कुछ तो कर रहा, कह रहा भाई ट्रस्ट मी मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा, और ये बात बिल्कुल देखने वालों ने भी ये साबित किया और बोला भी कि भाई बखूबी काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम निकाला है। तो बोलते हैं कैप्टन अगर शिप का आपका सही है तो फिर सवारियों को टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, विनीत भाई का रोल आप सबके पता ही है इसमें कितना कमाल का था, कि पूरी फिल्म में ये इनको तैयार किया जाता है कि बाप का और दादा की मौत का बदला लेना है। हाँ। फिर भाई साहब को हो जाता है प्यार। हाँ। और ये बदला लेना भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्यार नहीं होता तो बाप भाई दादा का बदला, सारा प्रेशर इन पे नहीं आता बदला लेने का? आप तो निकल लिए, सारा प्रेशर इन पे आ गया। सरदार खान का पूरा खानदान जो है ना बहुत जिम्मेदार है, एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हैं। अच्छा, देख लो भी प्यार के चक्कर में मारे गए फिल्म में, और सुना है कि फिल्म के बाद इन्होंने लव मैरिज की। हा? तो खतरों से खेलने का शौक फिल्म के बाद पड़ा आपको? मेरी जो वाइफ है रुचिरा, एक्चुअली रुचिरा इंजीनियरिंग कर रही थी नागपुर में। अच्छा जी। और थर्ड ईयर में उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है, और उसने इंजीनियरिंग छोड़ी और यहाँ आई। अच्छा जी। और वासीपुर के लोगों से उसको मिलना था। अच्छा। सर से मिलना था, और उसकी इस खोज में मैं मिल गया। वाह। अच्छा। और 8 साल ये सिलसिला चला, एंड अभी हम, क्या बात, रुचिरा ने ऐसा साथ दिया मेरा कि जब मुक्काबाज हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा नहीं, सब ये पूछते थे कि अच्छा पंजाब में जाके तैयारी की, ये किया वो किया, लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता था, मेरे साथ वो उठती थी, हर ट्रेनिंग के बाद मुझे खाना होता था, तो वो खाना कोई बनाने वाला नहीं था रुचिरा के अलावा, तो उसने मेरे साथ पैरेलल एक अलग स्ट्रगल किया तो जिसकी वजह से मुक्काबाज हो पाया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.